राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते पुलिस और परिवहन विभाग ट्रैफिक को संभालने का में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने कहा कि विक्रम और सिटी बसों के चालक स्टॉपेज पर न रोककर बीच में आगे पीछे सवारियों को उतार देते हैं, जिससे सड़कों पर बार बार जाम की स्थिति बन जाती है। तो वहीं शैलेश तिवारी ने कहा कि पिछले दिनों हमने सभी रूट पर एक सर्वे भी करवाया था, जिसमें हमने सिटी बस और विक्रम के स्टॉपेज भी तय किए थे। जल्द ही इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी कई जगह देखने को मिलती है। इसी को लेकर के हम लोगों ने एक सारे रूटों पे एक सर्वेक्षण करवाया था और उनका स्टॉपेज तय कर दिए थे। एक तो बस स्टैंड होता है, एक बस स्टॉप होता है। बस स्टैंड के पास ही गाड़ियों को रोकना चाहिए और जो विक्रम हैं या जो टाटा मैजिक हैं, ऐसी गाड़ियाँ चल रही है, उनके लिए भी हमारे जो रूट बनाए गए हैं, नए रूट भी हम लोगों ने बनाए थे, सब में बस स्टॉप हमने तय कर दिया है। और कई जगह बस स्टैंड नए नए लग भी रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम इसको इन्फोर्स भी करने वाले हैं। आपका पॉइंट सही है, कई जगह इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी आ रही है सर।